दोस्तों, ये मैं गीत जो आपको अभी सुनाने वाली हूँ, ये एक वियोग श्रृंगार का उदाहरण इसको आप समझ सकते हैं। ये जो कवि की रचना है, इसमें उनने उस समय का चित्रण प्रस्तुत किया है जब कान्हा जी राधा जी से दूर थे और राधा जी क्या महसूस कर रही थी, वो अपनी सखियों से क्या बातें कर रही थी, इसी को अपने जो हमारे कवि श्री श्री प्रसाद पांडे जी हैं, उन्होंने अपनी कविता में, या आप इसको एक गीत बोल सकते हैं, इन्हीं अपने विचारों को इस गीत में प्रस्तुत किया है। वो उसको मैं लयबद्ध करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके। सावन की छाई अंधरिया, नाए सखी बैरी सवरिया। सावन की छाई अंधरिया, नाए सखी बैरी सवरिया। बड़े बड़े बूंदा पानी बरसे, बड़े बड़े बूंदा पानी बरसे। रही रही बदरा से बिजली कड़के, रही रही बदरा से बिजली कड़के। अगन लगाए पुरवैया, नाए सखी बैरी सवरिया। अगन लगाए पुरवैया, नाए सखी बैरी सवरिया। बेला चंपा जूही चमेली, बेला चंपा जूही चमेली। महके बगिया होके अकेली, महके बगिया होके अकेली। सूले भौरा की तिरछी नजरिया, नाए सखी बैरी सवरिया। सूले भौरा की तिरछी नजरिया, नाए सखी बैरी सवरिया। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर चित्रण है। जब भी हम फूलों को देखते हैं, बगिया को सजी हुई देखते हैं, भौरों को देखते हैं, तो कितना अच्छा लगता है हमें। लेकिन उस विरह की अग्नि में जो हमारी गोपियाँ हैं, राधा रानी हैं, उनको वो फूल भी नहीं लग रहे हैं, और जो भौरे हैं उनकी गुनगुनाहट और उनका घूमना उन्हें सूल के समान चुभ रहा है, उन्हें वह भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो हैं वो विरह में जी रही हैं। और आगे सुनिएगा। भादो झड़ी लगाए बरसे, भादो झड़ी लगाए बरसे। मोरा मनवा पिय बिन तरसे, मोरा मनवा पिय बिन तरसे। जब बगिया में कूके कोयलिया, नाए सखी बैरी सवरिया। जब बगिया में कूके कोयलिया, नाए सखी बैरी सवरिया। कोयल मोर पपीहा बोले, कोयल मोर पपीहा बोले। मौसम विरहा के पट खोले, मौसम विरहा के पट खोले। अंग अंग तड़पे बावरिया, नाए सखी बैरी सवरिया। अंग अंग तड़पे बावरिया, नाए सखी बैरी सवरिया। सावन की छाई अंधरिया, नाए सखी बैरी सवरिया। सावन की छाई अंधरिया, नाए सखी बैरी सवरिया। नाए सखी बैरी।